मीरा जी, मीरा जी, घर में कोई है कि नहीं? मीरा जी। हेलो सर। हाय सर। मीरा जी, जी आज तो आप कमाल ही लग रही हैं। सर मैं तो आपको हमेशा कमाल ही लगती हूँ। आयू के लिए कि धमाल लग रही है। थैंक यू। धोती फाड़ के रुमाल लग रही है। जी जोक जोक सच जोक। इट वाज अ पीच एनीवे। मीरा जी, जी आज आप इतनी फ्रेश लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अरबी के पत्ते के ऊपर पड़ी ओस की चंद बूंदे। लेकिन वर्मा साहब, क्या है कि सूरज की पहली किरण के पड़ते ही ओस जो है ना वो हवा में गुल हो जाती है। लेकिन फिर वही ओस रात को वापस आती है। ये इस बात पे डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। भाई मीरा, तुम्हारा नहाने का पानी मैंने गर्म कर दिया है। okay. इस समय बिल्कुल गुनगुना है, 35 डिग्रीज पे है। फिर 33 पे हो जाएगा तो तुमको मजा नहीं आएगा। तुम प्लीज जाके नहा लो। और दूसरी बात सुनो, तुम्हारा मैंने वो शैम्पू भी रख दिया है, कंडीशनर भी रख दिया है, दोनों साबुन रख दिए हैं, बॉडी सोप फेस वॉश दोनों रख दिए हैं, तीन मैंने टॉवल रख दिया है, पैरों को अलग रख दिया है, बॉडी का अलग रख दिया है, और फेस का मैंने टॉवल अलग रख दिया है। थैंक यू डार्लिंग, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, इतना प्यार करते हो। गुड हैव अ बाथ। अब बंटी जी, आप मीरा जी के लिए नहाने के लिए पानी भी गर्म करते हैं? गर्म क्या करता हूँ, कभी कभी तो मैं मीरा को नहला भी देता हूँ। नहला देते हैं आप? मैं कितना कुछ करता हूँ अपनी बीवी के लिए भी, उसके लिए खाना बनाता हूँ, अपने हाथों से खिलाता हूँ, रात को उसके पांव दबाता हूँ, सुबह बालों में तेल लगाता हूँ, उसके लिए शॉपिंग करता हूँ, पसंद की चीजें उसके लिए। नो वंडर कि मीरा जी आपके पास टिकी हुई है। सर आपने बुलाया? सर मीरा जी, आज श्रीवास्तवा जी ने बड़ी अजीब सी बात कह डाली। क्या कह डाला सर? कह रहे थे कि वो बड़े पत्नी भक्त किस्म के आदमी है, अपनी पत्नी की बड़ी सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा में ही लीन रहते हैं। सर इसमें क्या शक है सर, वो तो मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं, और मुझे ऐसे आदमी बहुत पसंद है सर जो अपनी पत्नी की सेवा करते हैं। आपका कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसे आदमी बड़े पसंद हैं जो अपनी पत्नी की सेवा करते हैं? मुझे क्या सर, दुनिया की हर औरत को ऐसे आदमी पसंद है जो पत्नी भक्त होते हैं। सर आप अपनी पत्नी की सेवा करते हैं? मैं तो इतनी सेवा करता हूँ उसकी, इतनी सेवा करता हूँ मीरा जी की परेशान हो जाती है मुझसे, पैर पकड़ लेती, मेरे हाथ जोड़ती, कहती विनोद बस करो, enough enough, I can't take it anymore. हेलो हेलो विनोद, मैं कविता बोल रही हूँ। या कविता जानू, मैं कविता बोल रही हूँ तुम्हारी बीवी। या स्वीटी पाई, टेल मी क्या हो गया तुम्हें, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? या जानू, पर तुमसे मना किया था कि आटा मत गूंदना, फिर तुमने क्यों गूंदा? मैंने कहा था कि मैं आगे गूंद दूंगा। अच्छा खैर कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए ना 5-6 DVDs लाया हूँ, तुम सो रही थी ना तो मैं इसलिए टीवी पर रख दी है। हाँ तो जो तुम्हें पसंद है तुम देख लो उसमें से, नो प्रॉब्लम। और सुनो, खाना तुम होटल से मंगा लेना, दिन में बनाने की जरूरत नहीं। हाँ रात को मैं खाना के बना दूंगा। हाँ यू नो व्हाट, आई मेक नरगिसी कोफ्ता योर फेवरेट स्वीटी। बाहर में गए तुम्हारे नरगिसी कोफ्ते और तुम। एक सेकेंड, फिर केबिन में कोई है? अच्छा ये लो। हाँ धीरे से दूंगा लेकिन। Is that enough for you, baby? Okay, sweetie, bye. नहीं और नहीं, बस बाद में रात को। हाँ She's very demanding, very demanding. I understand, sir. Sir, लेकिन आपके personality का ये रुख मैंने आज तक नहीं देखा था, sir. This is Meera ji, this is the front side of the back side. जो आदमी दिखता है वैसा होता नहीं है। वर्मा जी, आज शाम को आपको गोल्डन शूटिंग वाले के पास जाना है और डील फाइनल करनी है। आई एम सॉरी सर, विनोद वर्मा की हर शाम उसकी बीवी का। अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। भाड़ में क्या आपका इंक्रीमेंट सर, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मुझसे खुश रहे, बस दैट्स इट। आज मैंने वादा किया है कि रात को उसके लिए मैं नरगिसी कोफ्ता बनाऊंगा तो बनाऊंगा, बस कुछ भी हो जाए, आई विल मेक नरगिसी कोफ्ता फॉर हर। ओके बनाइए, मैं किसी और को भेज दूंगा। सर आई एम रियली इंप्रेस्ड, रियली। एक सेकंड। हेलो जानू, मैंने तुमसे कहा था कि कोई केबिन में है। ओके मेरा, डोंट गेट सो एक्साइटेड।